तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, मस्त हूँ। तो एक बार स्वागत है फिर से आज का इस न्यू वीडियो में आपका, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैं रांची आया हूँ। एक नया पार्क खुला है वहाँ पे, तो मैं आज आपको इस पार्क में पूरा घुमाने वाला हूँ और सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो आप किस तरह से यहाँ पे घूम सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा पार्क घुमाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग पार्क में एंट्री करते हैं, सबसे राइट ऑफ द कॉर्नर आपको देखने को मिलेगा एक ब्यूटीफुल सा हाथी, और उसके बाद में आपको यहाँ पूरा जिधर देखिए हरियाली हरियाली ही दिखाई देगा, और एक से बढ़कर एक कलाकृति आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं। आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इस क्रम में जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जिनके नाम पे ये पार्क बना हुआ है, जी हाँ फ्रेंड्स, नीलाम्बर और पीताम्बर, जो कि हमारे झारखंड स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हीं के नाम पर ये पार्क बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पीने का पानी का भी सुविधा है, साथ ही साथ आगे आप चलिए देखते हैं, पूरा मस्त वाला ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना, जब कभी आप अगर यहाँ आते हैं और यहाँ घूमते हैं तो सच बता रहे हैं फ्रेंड्स कि आपका मन बिल्कुल सा यहाँ पे आने के बाद शांत हो जाएगा, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो नेचर है उसको देखकर। आप देख सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पे एक से बढ़कर एक यहाँ पे कलाकृति भी की गई है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के जीवों को यहाँ पे घास कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। और फ्रेंड्स, बीच बीच में यहाँ पे पूरा जो भी जल का झरना है वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आगे चलते क्रम में आगे अब हम लोग को देखने को मिल सकते हैं आगे जो दिखाई आपको दे रहा होगा, और नहीं तो चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए जस्ट सड़क के किनारे में है ये, और इसके बगल में आपको मोराबादी मैदान है। तो देख सकते हैं कि हम लोग जिनके नाम पे यहाँ रखा गया है पार्क, वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनका यहाँ पे स्टेच्यू बनाया गया है। अब देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है, जो कि काफ़ी देखने को सुंदर भी लग रहा है, और इस जगह पे आने के बाद में काफ़ी अपने आप को एक पुरानी यादें भी आ जाती है, किस तरह से अपनी जान बलिदान दे के हम लोगों को एक तरह से स्वतंत्र आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिए थे। और फ्रेंड्स, उनके बारे में यहाँ पे पत्थर पे शिलान्यास किया गया है, जिसमें कि उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, तो आप इसे देख पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में अब हम लोग को एक मनोरम दृश्य देखने को मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक इस तरह का नाली, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि नाली इतना खूबसूरत या फिर इतना सुंदर हो सकता है, जिससे कि पूरा एक अच्छे तरीके से चला जाए। हम देख सकते हैं ये पूरा नाली एक तरह से एक नदी के रूप में है, जो कि काफ़ी लंबा आगे तक पूरा बना हुआ है। आगे जितना दूर तक ये पूरा पार्क में ये पूरा का पूरा इसी तरह से बना हुआ है, जिसके ऊपर चलने में काफ़ी मज़ा आता है फ्रेंड्स। और हाँ, चलने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका पैर इसके अंदर चला जाए, बाकी चलने में इसमें काफ़ी मज़ा आता है। इसमें छोटा छोटा मछलियाँ भी हैं, और इधर देख सकते हैं इधर फुहारा है पानी वाला, बट अभी बंद है, और साथ ही साथ इधर साइड साइड में शेड बना हुआ है, तो आप अगर आते हैं तो यहाँ पे खाली टाइम बैठ के और यहाँ पे आराम कर सकते हैं। बाकी चलिए आपको आगे ले चलते हैं और दिखाते हैं और आगे कुछ कुछ। और फ्रेंड्स, इधर आगे आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी सुंदर काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। और इसके अगल बगल पूरा पेड़ है, जहाँ पे कि आप कभी भी आइए तो यहाँ पे आप बैठ के आराम से अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं एक प्राकृतिक व्यू के साथ, जो कि काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आगे हम लोग बढ़ते हुए आए हैं। देखिए यहाँ पे एक वॉलीबॉल का एक ये बना हुआ है, जिसके अंदर वॉलीबॉल खेला जाता है। और फाइनली फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग को एक पार्क दिखाई दिया, जहाँ पे कि एक से बढ़कर एक यहाँ पे छोटे बड़े सभी के लिए झूले या फिर फिसलन पट्टी सारा कुछ लगा हुआ है। तो थोड़ा हम लोग चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ा मस्ती करते हैं। तो चलिए मैं आपको भी वहाँ लेके चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग एक तरह से अपना इंजॉय कर रहे हैं, छोटा या हो या बड़ा। देखिए इधर बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं, और इधर आपको दिखाई दिया होगा कि बड़े लोग झूला झूल रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं और फिर उधर हम लोग भी थोड़ा बहुत झूला झूलते हैं और इंजॉय करते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ पे आइए तो आप भी इसका आनंद जरूर लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आपको इस
आपको यहाँ एंट्री करने का कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे घूम सकते हैं और पूरा इंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आइए तो आप यहाँ कोशिश कीजिए कि आप आइए और देख सकते हैं बड़े बड़े बच्चे लोग यहाँ पे झूल रहे हैं झूला। आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स इस तरह का मस्ती करने को मिला, जो कि मन में काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हम लोग इस तरह से इतना मस्त जगह पर आए घूमने के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं कि देखिए इधर भी बस जिधर देखिए बस यहाँ पे प्रकृति का ही सुंदरता आपको देखने को मिलेगा। और इधर फ्री स्पेस है जहाँ पे कि आप कभी भी आइए, किसी के साथ भी आइए, चाहे फ्रेंड के साथ आइए, चाहे दोस्त या फिर फैमिली के साथ, आप यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जगह इतना सुंदर है कि बता नहीं सकते, आप जब आइएगा तो खुद आप बता सकते हैं कि सच में कि किस तरह का ये प्लेस है। आप देख सकते हैं बस हर जगह साफ़ सुथरा, और एक फ्रेंड एक तरह से बिल्कुल साफ और सुंदर पार्क है जिसके अंदर एक भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप भी आते हैं तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप भी इस जगह को सुरक्षित रखिए, क्योंकि देख सकते हैं बस जिधर देखिए उधर बस खाली सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। और फ्रेंड्स इस तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर और इधर ग्राउंड के राइट साइड में सबसे कॉर्नर में छोटा सा स्टेडियम का एक रूप दिया गया है, जहाँ पे कि जितने भी शहर से लोग हैं, खासकर शहर के सामने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ का अपना क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं। नेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं आने वाला कल का धोनी यही लोग हैं, तो इनके लिए एक विश तो बनता है। तो फ्रेंड्स उधर हम लोग अब घूम लेने के बाद कुछ देर बैठे भी बैठे टाइम बिता लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि फाइनली हम लोग निकासी की ओर जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उधर आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग इसके ओर होते करते हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। तो बाहर निकलने से पहले एक बार आपको और थोड़ा अच्छे से एक बार मैं बैक कैमरा से अच्छा से दिखाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर कितना मस्त कलाकृति है, और ये रहा पूरा नज़ारा, देख सकते हैं ग्राउंड है उधर, वॉलीबॉल वाला जो फील्ड बना हुआ वो है। साथ ही साथ फ्रेंड्स चलिए मैं आपको निकलते हुए एक और कुछ दिखा के जाता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, पानी का जो फुहारा यहाँ पे लगा हुआ है, बट किसी कारणवश अभी ये बंद है, चल नहीं रहा है, बट ये जब चलता होगा तो रियली में बहुत ही मस्त, यानी कि मस्त वाला सीन बनता होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी ये बंद है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स जब कभी भी आप रांची आइए तो आप यहाँ पे आइए और घूमिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बस आइए अपना यहाँ मन को शांति के लिए आप एक जगह अपना कहीं पर भी जाके बैठ के और कुछ भी पल अपना बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग मुराबादी स्थित ग्रीन पार्क का सैर कर रहे थे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।